देख रहे हैं चम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। वेस्टर्न रेलवे द्वारा अनधिकृत यात्राओं पर रोक लगाने के लिए नियमित टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इन ग्रहण अभियानों के द्वारा अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक की अवधि के दौरान वेस्टर्न रेलवे को अनियमित यात्रा के मामलों से 94 करोड़ 21 लाख रुपए, जबकि बिना मास्क के यात्रा करने के मामलों में 35 लाख 45 हजार रुपए जुर्माने के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान आरक्षित टिकटों के अवैध में 9 मामलों का पता चला और 13 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अलावा 660 भिखारियों को भी बाहर किया गया। 710 अनधिकृत फेरी वालों को भी पकड़ा गया, जिनमें से 261 पर जुर्माना लगाया गया और 1,10,000 रुपए की राशि रेलवे बकाया के रूप में वसूल की गई। 447 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और 1,45,870 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। टिकट चेकिंग स्टाफ को बिना मास्क यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है। बिना मास्क के यात्रा करने के 20,092 मामले वेस्टर्न रेलवे पर 17 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 तक 35,45,000 रुपए जुर्माने प्राप्त किए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।